बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हु आर मैरिज ब्रेकर्स एंड होम ब्रेकर्स। नंबर वन, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका का पहले अक्षय कुमार के साथ अफेयर हुआ, जिसकी वजह से अक्षय और ट्विंकल के बीच प्रॉब्लम आ गई। फिर प्रियंका का शाहरुख खान के साथ भी अफेयर रहा और शाहरुख और गौरी का तो इस वजह से डाइवोर्स भी होने वाला था। आज प्रियंका ने हॉलीवुड स्टार निक के साथ शादी कर ली है और काफ़ी लोग उन्हें गोल्ड डिगर भी बुला रही है। दोनों के बीच का एज गैप काफ़ी चर्चे में रहता है। नंबर टू, किरण राव। आमिर खान ने अपनी वाइफ रीना को किरण के लिए छोड़ दिया। आमिर ने रीना के साथ दो बच्चे थे और किरण की वजह से रीना का घर टूट गया। अब आमिर किरण के साथ भी डाइवोर्स ले रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि फातिमा साना शेख है। आमिर मूवी में भले ही परफेक्शनिस्ट हो, पर्सनल लाइफ में वो परफेक्शन नहीं दिखा पाए। नंबर थ्री, सुष्मिता सेन। मशहूर डायरेक्टर विक्रम भट्ट का सुष्मिता सेन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, पर सुष्मिता को इस बात का गिल्ट नहीं था। उनका कहना था कि अगर कोई बैड मैरिज है तो ये उनकी थोड़ी गलती है। नंबर फोर, रानी मुखर्जी। रानी और आदित्य चोपड़ा तब रिश्ते में आए थे जब आदित्य की ऑलरेडी शादी हो रखी थी। आदित्य की टूटी हुई मैरिज के लिए रानी को ही ब्लेम किया जाता है। नंबर फाइव, शिल्पा सेठी। शिल्पा के लिए राज कुंद्रा ने अपने वाइफ को छोड़ दिया। राज की वाइफ शिल्पा को ब्लेम करती है और कहती है कि शिल्पा की वजह से उनका घर टूट गया। शिल्पा इस बात को नहीं मानती और उनके हिसाब से राज की शादी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी जब शिल्पा उनके लाइफ में आई थी। नंबर सिक्स, श्रीदेवी। श्रीदेवी को बोनी कपूर की वाइफ ने अपने घर में जगह दी क्योंकि श्रीदेवी का बुरा टाइम चल रहा था। श्रीदेवी ने तब बोनी कपूर को अपना मुंह बोला भाई भी बोला था, लेकिन कुछ टाइम के बाद श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई। हम तो यही कह सकते हैं कि बोनी कपूर की फर्स्ट वाइफ और अर्जुन कपूर की माँ के साथ बहुत बुरा हुआ। नंबर सेवन, यामी गौतम। पुलकित का यामी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इसी की वजह से उनका सलमान श्वेता की बहन के साथ डाइवोर्स हो गया। श्वेता ने मीडिया में बोला था कि यामी बहुत टाइम से उनके हस्बैंड पर डोरे डाल रही थी और उन्होंने ही श्वेता का घर तोड़ा है। यामी और पुलकित ने इवेंचुअली एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। आज यामी की उरी के डायरेक्टर के साथ शादी हो गई है और पुलकित कृति खरबंदा को डेट कर रहे हैं। नंबर एट, कंगना रनावत। कंगना बॉलीवुड के टॉप मैरिज ब्रेकर में से एक है। उनका एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तीन मैरिड मैन के साथ अफेयर रहा है। पहले उनका काजोल के हस्बैंड अजय देवगन के साथ अफेयर था। काजोल के छोड़ के जाने की धमकी के बाद अजय ने कंगना को छोड़ दिया। इसके अलावा उनका मैरिड मैन आदित्य पंचोली के साथ अफेयर रहा और दोनों का रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था और इवेंचुअली दोनों अलग हो गए। फिर उनका रितिक के साथ अफेयर्स के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। नंबर नाइन, हेमा मालिनी। धर्मेंद्र मैरिड थे जब उनकी लाइफ में हेमा मालिनी आई और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। हेमा के लिए धर्मेंद्र ने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया था। नंबर टेन, लारा दत्ता। लारा और महेश भूपति तब से डेट कर रहे हैं जब महेश ऑलरेडी मैरिड थे। फिर लारा प्रेग्नेंट हो गई और महेश ने लारा के लिए अपनी वाइफ को छोड़ दिया। नंबर इलेवन, रेखा। रेखा और अमिताभ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने प्राइवेट में शादी भी कर ली थी। जया बच्चन ने अमिताभ का साथ नहीं छोड़ा, वरना हो सकता था आज रेखा और अमिताभ साथ होते। नंबर ट्वेल्व, सबाना आजमी। जावेद अख्तर ने अपनी वाइफ और फरहान अख्तर और जोया अख्तर की माँ को सबाना के लिए छोड़ दिया था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने TCM को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे और चटपटी ताज़ा खबरों के साथ।